मेरा नाम रेखा है, मैं टोंक डिस्ट्रिक्ट के उनेरा ब्लॉक से हूँ। हमें आज 34 दिन हो गए हैं यहाँ पे धरने पर सरकार की तरफ से कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं है जो हमारी बात सुने। यहाँ लड़कियाँ हैं, खुले में सो रही है बाहर, लेकिन सरकार को इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमारा एक भाई था राजकुमार गुप्ता, वो यहाँ पर कई दिनों से हमारे साथ था। उसको मतलब बहुत टेंशन में था, परिवार में वही बड़ा था, उसकी 4 सिस्टर है। मैं खुद वहाँ गई थी दोसा, तो मैंने उसके परिवार को देखा, उसके माता पिता की जो हालत देखी वो इतनी बुरी है कि कुछ कह नहीं सकते, देखा नहीं जा रहा उनकी ऐसी हालत हो गई है। और वो यहाँ पे रहता था, मतलब अलग ही बैठता था वो टेंशन में। तो उस टेंशन की वजह से, इस नौकरी की वजह से उसने अपनी जान खो दी जी। प्रदर्शन जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुन लेती है, जिस मकसद से हम बैठे हैं हमारी पूरी बात सुन लेगी तभी हम जाएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े उसके लिए। प्रदर्शन चल रहा है, निरंतर जारी है, और जब तक जीत नहीं होगी तब तक यहीं डटे रहेंगे। और हमारी इतनी धूप में भी हम लोग बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकर हमारी बहनें यहाँ बैठी है। और एक दो दिन पहले आपने मीडिया को अवगत भी करवाया था कि हमारी बहनें किरोड़ी लाल जी मीणा के घर पे गए थे, उन्होंने टाइम दिया था किरोड़ी लाल जी मीणा ने, दो दिनों के बाद में हमारे बीच में आना, मैं आपकी बात सुनूंगा। लेकिन सुबह हमारी बहनें दो दिन बाद में गई थी, एक दिन उसके बाद में दिन भर तक किरोड़ी लाल जी मीणा नहीं आए, और शाम को पुलिस आई और उनको रोड पर घसीटा। एक महिला पुलिस को भी अधिकार नहीं है महिलाओं के साथ रात्रि 7 बजे के बाद में हाथ लगाने का। वहाँ पुरुष कांस्टेबलों ने हमारी बहनों को रोड पर घसीटा, ये बहुत ही निर्दलीय घटना है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि आपने तो नारा दिया था कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, तो अब आपके तो 2 महीनों भी महिला में अत्याचार हो रहा है। तो हम तो जायज़ मांग कर रहे हैं हमारी कि भैया आप जो काम देंगे हम काम करने के लिए तैयार हैं। हमारी कोई गलती हो, काम में काम नहीं कर पाए, वो बाद में आप हमें निकाल देना, लेकिन फिर पहले आप कांग्रेस का कहकर हमारे बेरोजगारी युवाओं पे और हमारे परिवार पर ऐसा कोई टेक ना लगाए। हमारा राजकुमार गुप्ता भाई था, उनका इसी सदमे में निधन हो गया था कि भाई नौकरी चली गई। 2 साल डेढ़ साल हम लोगों को काम में लेकर आप हमें बाहर फेंक रहे हो, तो मतलब इसमें ये गलती तो, और हमारे साथ अन्याय तो हो रहा है। 35 दिन हो गए, सरकार हमारी बात अभी तक भी नहीं सुनी। हम सरकार से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार हमारी जल्द बहाली को लेकर कुछ बोलें, लेकिन सरकार के जूं तक नहीं बोल रही। भजन लाल जी सरकार हमारे बारे में आज तक कोई नुमाइंदा नहीं भेजा, कोई प्रशासन अधिकारी नहीं भेजा, कोई उनके जो बीजेपी के कोई कैंडिडेट नहीं भेजे। और मैं तो सरकार से यही बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी जल्दी से जल्दी बहाली करें। सरकार की तरफ से तो कोई आश्वासन नहीं मिला है। हमारे पूरी जो महिला साथी थी जो किरोड़ी लाल मीणा जी के यहाँ पे गए थे, उन्होंने धरना देने रात को, उनको भी जो है धक्के दे के और डंडे से मार के भगाया गया था। किरोड़ी लाल मीणा जी ने ना तो माफ़ी मांगी, ना हमारे किसी से किसी को मिलने के लिए बुलाया। मेरी दरख्वास्त रहेगी हमारे जो भजन लाल जी मुख्यमंत्री हैं वो आके लोगों की वेदना समझे, और जो 5,000 लोग नहीं, 5,000 परिवारों को जो उन्होंने छीना है रोजगार, उनको न केवल उनको रोजगार प्रदान करे, जबकि उसके साथ साथ हम केवल 5,000 लोगों को ही नहीं देखे, जबकि उनके जितने भी गांव है, आज ऐसा कोई गांव बाकी नहीं जहां पे युवा मित्र नहीं गए थे, जहां पे लोगों को फ़ायदा नहीं दिलाया था। आप देख सकते हैं उनके जो भारत विकास संकल्प यात्रा चल रही है उसमें कितनी भीड़ की कमी है, कितने लोगों को अवेयरनेस ही नहीं योजनाओं की, वो अवेयरनेस कौन दिला रहे थे? युवा मित्र दिला रहे थे। तो मेरा दरख्वास्त है कि लोगों तक अंतिम विकास की पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्तियों को विकास की धारा से जोड़ने के लिए जो युवा मित्र कड़ी का काम कर रहे थे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वापस रोजगार दिए जाए और लोगों को जोड़ा जाए, ताकि हमारा रोजगार भी रहे और लोगों को भी अंतिम विकास की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को, लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद सर। आज आप इन युवाओं के बीच पहुंचे हैं, उनकी बावली को लेकर सरकार देखिए, आज किसानों का भी आंदोलन था और ये हमारे साथी जो है लंबे अरसे से बैठे हैं, राजीव गांधी के नाम से इनको पिछली सरकार ने 5,000 लोगों को नौकरी दी थी, ये नई सरकार आई इसने तुरंत इनको कई हटा दिया। हटाने को किसी को राइट नहीं है, आप अगर किसी के नाम से ऐतराज है तो दूसरे का नाम कर दो उस जगह। आपने बहुत सी योजनाएं हैं जिनका नाम बदला है, इसका भी नाम बदलने से कौन मना करता है? और इस बात को लेकर मैंने मुख्यमंत्री जी को खुद को पत्र दिया है, आज से 15 दिन पहले मेरे मोबाइल में भी है, और इनको यहाँ कॉपी भेजी थी मैंने कि इसका चाहे नाम बदल दो, इनको रखो, ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग जो है ये नौजवान हैं, देश को बनाने वाले ये हैं,
देश के लिए काम करने वाले ये हैं, और जब ये कायदे में नौकरी लगे हैं, इनके इंटरव्यू हुआ है, इनकी व्यवस्थाएँ सही है, तो आप इनको कैसे हटा सकते हो? इसलिए मेरा निवेदन सरकार से फिर यही है कि तुरंत प्रभाव से इनकी नौकरी बहाल करो और इनको वापस लो। तुरंत बाहर से नहीं ले तो ये लंबा आंदोलन चलेगा, सरकार के लिए ये मुसीबत खड़ी हो जाएगी, ये समझे कि नौजवान को मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए सरकार से मेरा यही निवेदन है कि इनकी बहाली करो और तुरंत को वापस लो, नाव बदलना चाहो बदल लो, ये रखना चाहो ये रख लो, इसमें नहीं तो इनको कोई इतराज दे किसी दूसरे को। धन्यवाद। मैं भारतीय किसान यूनियन से युवा मोर्चा का जयपुर से जिलाध्यक्ष हूँ, और इन युवा साथियों की पीड़ा को समझते हुए ध्यान में रखते हुए देखते हुए आज भारतीय किसान यूनियन की ओर से हम पूरी भारतीय किसान यूनियन इनके समर्थन में इनके साथ हैं और हम हमारा समर्थन दे रही हैं। साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से मीडिया के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि आपको अगर राजीव गांधी के नाम से दिक्कत है तो आप नाम बदल दीजिए और आप योजनाएँ लेकर आइए, क्योंकि इनका काम सिर्फ और सिर्फ था योजनाओं को आगे भी लेकर जाना। तो ये तो आपके हित में काम करने वाले लोग थे, अगर आप योजनाएं लेकर आएंगे और नाम कोई भी रख लीजिए, आपको नाम का शौक है, एक नाम से आपत्ति हो सकती है, जिससे आपको अच्छा लगे वो नाम लेकर आप इनको दे दीजिए और अपनी योजनाओं को आगे बढ़वाने के लिए इनसे काम में लीजिए। इनका रोज़गार छीन लेना कहीं ना कहीं ये सरकार की एक हट, और साथ में छीनने के बाद में सुनवाई नहीं करना। आज कितने दिनों से ये लोग सर्दी में बैठे हुए हैं, एक ज़बरदस्ती की हठधर्मिता के आधार पर इन युवाओं को नहीं सुनना, कहीं ना कहीं सरकार का रवैया युवाओं के हित में दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और युवाओं की ओर से ये सरकार को आगाह करता हूँ कि हम किसान के बेटे हैं, जैसा पूरा देश और दुनिया देख चुकी है किसान की ताकत को, कि जिस तरीके से 13 महीने का आंदोलन करके मुँह तोड़ जवाब सरकार को दिया था, अगर किसान के बेटे और इन युवाओं के साथ आकर खड़े होते हैं, अगर हम इनके साथ हैं, तो समझ सकते हैं कि ये आंदोलन किस रूप में जा सकता है और किस दिशा में जा सकता है। तो मैं निवेदन ही कर रहा हूँ अभी तो सरकार को कि इनकी बहाली करें, और अगर इस पर बहाली नहीं करती है तो फिर जो परिणाम होंगे उसका जिम्मेदार खुद राज्य की सरकार होगी। हाँ, चल रहा है 34 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, सरकार हमारा कोई नहीं सुन रही, कोई सूद नहीं ले रही सरकार, इसके लिए हम बहुत उदास है। हम यही चाहते हैं सरकार से, भजनलाल सरकार से यही उम्मीद है हमारी कि हमारे को जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए, इस प्रोग्राम में जल्दी से बहाल किया जाए। हम दुखी हैं, हमारे 5,000 परिवार के साथ में बहुत समस्या आ रही है, बेरोजगार हो गए, हमारे पास कोई रोज़गार नहीं रहा, हम यहाँ क्या करें, हम करें तो क्या, बिल्कुल यहाँ बैठ गए सभी लोग यहाँ धरने में, 5,000 युवा मित्र बैठे हुए गांव-गांव ढाणी ढाणी में, हम सरकार की योजनाओं को पहुँचाएँ, प्रचार प्रसार किया है, वहाँ बताएँ लोगों को, उनको लाभ दिलाएँ बिल्कुल अच्छे से। आज भी उन लोगों का फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि हमारे पेंशन नहीं चालू हुई, उनको पेंशन चालू करवा दो, जो भी योजनाएं चिरंजीवी में लाभ लेना है तो उनके बारे में पूछते, तो उनके बारे में बताते हैं उनको। अब आज भी हम फोन, हम यही उनके तय दिल से हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे को भजनलाल सरकार वापस लिया जाए और वापस लेके हमारे को नौकरी दे, हम यही चाहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे, हम कोई किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति नहीं है, हमारे को पार्टी विशेष के व्यक्ति मान के हमारे को इस प्रोग्राम से हटा दिया गया है। हम सरकार से यही उम्मीद करना चाहेंगे हमारे को जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए।